टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ड्यू टू कंप्रेशन। देखो होगा क्या, मान लो आप एक पानी का छोटा सा सैंपल एक ओशन के नीचे ले गए जो कि 3,000 मीटर नीचे है, 3 किलोमीटर नीचे है। तो जो समुंदर का पानी है वो आपके सैंपल पानी को क्या कर देगा, कंप्रेस, क्योंकि प्रेशर लगाएगा एच रो जी, और एच की वैल्यू बहुत बढ़िया 3 किलोमीटर, तो बहुत प्रेशर लगाएगा, तो आपका सैंपल वाटर नीचे जाके क्या हो जाएगा, कंप्रेस। अब सोचो जब वो कंप्रेस होगा तो डेंसिटी होती क्या है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास तो कभी भी किसी भी चीज का चेंज नहीं होता, कांस्टेंट है। तो अगर नीचे जाके कंप्रेशन से वॉल्यूम कम हो गया तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यही रूल है। तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसमें कोई डाउट इसमें? तो मास कम होने, वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी बढ़ गई, इसका मतलब समुंदर के अंदर, सी के अंदर ऊपर डेंसिटी कम होती है। जैसे जैसे आप समुद्र के नीचे जाएंगे, नीचे 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 डेंसिटी बढ़ती जाएगी, बहुत डेप्थ में जाने पे डेंसिटी और बढ़ जाएगी। तो पानी की डेंसिटी भी एक जैसी नहीं होती समुद्र के अंदर, नीचे डेंसिटी बढ़ जाती है क्योंकि वॉल्यूम कम होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा, पानी पानी पे ही प्रेशर लगा देता है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो आपको ये बताना है कि अगर मान लो सरफेस के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, सपोज सरफेस के ऊपर एक्चुअल डेंसिटी रो है, तो आपको बताना है कि अगर हम नीचे चले गए किसी डेप्थ पे तो डेंसिटी रो डैश क्या होगी, ये क्वेश्चन है। और ये बता देता हूं मैं कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी सी इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल है, ठीक है? यहां तक याद रखना यहां तक। अब आगे तो किन्हीं क्वेश्चन में हमें कंप्रेसिबिलिटी गिवन होती है, हम रेसिप्रोकल लेके क्या निकालते हैं, बल्क मॉडुलस। तो देखो जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है। अब मुझे ये पता है कि डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू मास कांस्टेंट है, डेल्टा वी बाय वी लगाने जा रहा हूं मैं विद नेगेटिव साइन, माइनस साइन क्या शो करता है अभी बताता हूं मैं। एरर का रूल लगा दिया, डेल्टा फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, मास तो कांस्टेंट ही है तो उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो ये टर्म आ गई आपके पास। माइनस साइन क्यों, क्योंकि जब आप नीचे जाएंगे डेप्थ पे तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम कम होगा डेल्टा भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव डेल्टा रो क्या जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो नेगेटिव साइन सही यहां पर स्टैंड कर रहा है, क्योंकि अगर ये टर्म नेगेटिव आएगी, नेगेटिव नेगेटिव अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि डेंसिटी बढ़ेगी। तो अगर वॉल्यूम कम हो रहा है डेंसिटी बढ़ रही है, सिंपल है, क्लियर है यहां तक? पहला स्टेप क्लियर है। अब इस केस में मुझे एक चीज बताओ कि ये आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है? तो यहां से डेल्टा वी बाय वी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डेल्टा रो बाय रो, इक्वेशन नंबर 1। तो डेल्टा वी बाय वी की वैल्यू आ गई, बात खत्म हो गई। अब मुझे एक डेफिनेशन बताए बल्क मॉडुलस की, बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली के क्या होता है, माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी, ये बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा वी बाय वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डेल्टा पी बाय के, इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने आपको डेल्टा वी बाय वी पहली इक्वेशन से बता दिया, मैंने आपको डेल्टा वी बाय वी बल्क मॉडुलस से बता दिया, दोनों डेल्टा वी बाय वी की वैल्यूज को इक्वेट कर लें। तो जब आप इन्हें इक्वेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इक्वेट करने पर आएगा माइनस डेल्टा रो बाय रो इज माइनस डेल्टा P by K, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपके पास क्या आएगा, यहां से डेल्टा रो को लिख लेना, नई डेंसिटी माइनस पुरानी डेंसिटी बाय रो इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाय K, तो रो डैश बाय रो माइनस 1 इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाय K, रो डैश बाय रो इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा P डिवाइडेड बाय K, या फिर रो डैश इज इक्वल टू रो इनटू 1 प्लस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय के। अपने फॉर्मूला बुकलेट में ये फॉर्मूला नोट कर लें प्लीज, ये फॉर्मूला नोट कर लें फॉर्मूला बुकलेट में। मतलब एक्चुअल डेंसिटी अगर वाटर की सरफेस के ऊपर रो है, डेप्थ पे नीचे जाके प्रेशर चेंज हो जाएगा डेल्टा पी, डेल्टा पी और कम, यहाँ पे बल्क मॉडुलस गिवन होगा क्वेश्चन में, तो वहाँ पे नई डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड, ये क्वेश्चन है, ठीक है? ये फॉर्मूला सबको क्लियर है कि क्या फॉर्मूला है, ये एनसीईआरटी की डेरिवेशन भी बन सकती है,
अगर डेंसिटी का इफेक्ट आ जाए तो ये लिखना है, मैं बुकलेट में लिख के दूंगा आपको, नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो उसमें सब लिखा होगा ये सारा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो इसके बेस पे न्यूमेरिकल कैसा आता है वो एक बार देख लेते हैं। देखो तो इसमें न्यूमेरिकल में जैसे ये न्यूमेरिकल है, ये तो लंबे मेथड से किया हुआ है, आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ें इसको छोड़ें। इफ नॉर्मल डेंसिटी ऑफ सी वाटर गिवन है, तो ये नॉर्मल डेंसिटी रो गिवन है, तो इस क्वेश्चन में रो गिवन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी एट अ डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर। तो डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर पे प्रेशर का चेंज क्या होगा, एच रो जी। अब सब कुछ इसमें सीजीएस में गिवन है, सीजीएस में है, तो हाइट क्या है 3 किलोमीटर का, मतलब 3000 मीटर इंटू 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर, और डेंसिटी 1 × 980, ये क्या आ गया आपके पास चेंज इन प्रेशर, डेल्टा पी आ गया, एच इंटू रो इंटू जी में डेल्टा पी आ गया। आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको कंप्रेसिबिलिटी गिवन है। मैंने क्या बताया, बल्क मॉडुलस जो होता है 1/कंप्रेसिबिलिटी होता है, तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू इसका एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, पर एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर बन जाएगा। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू एटमॉस्फेयर में नहीं रखते, तो के की वैल्यू को मुझे टाइम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10^6 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो बल्क मॉडुलस आ गया, पहले रेसिप्रोकल लिया फिर सीजीएस में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको क्या निकालना है, नई डेंसिटी निकालनी है। नई डेंसिटी क्या है, पुरानी डेंसिटी 1 + δp / k, ये वैल्यू आएगी इसमें। तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, पुरानी डेंसिटी तो क्वेश्चन में 1 गिवन है, k आपको मैंने बता दिया, डेल्टा पी मैंने आपको बता दिया, पुट करके क्या आ जाएगी, नई डेंसिटी आ जाएगी, बात ही खत्म, फॉर्मूला लगाओ काम खत्म करो। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा, ठीक है। बल्क मॉडुलस में कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बेस क्वेश्चन ही है, असली कॉन्सेप्ट बल्क मॉडुलस का यहां पर नहीं है, इस चैप्टर में नहीं लगेगा, तो कमाल की बात है, बल्क मॉडुलस अभी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन न्यूमेरिकल जो आएंगे इसके असली वो थर्मोडायनेमिक्स में आएंगे, गैसेस पे ज्यादा लगता है ये, क्योंकि गैस हर वक्त क्या होती है, कंप्रेस। तो केमिस्ट्री वाले मुझे पता नहीं करवाते, नहीं करवाते वो, नहीं करवाते ये, हम करेंगे, क्योंकि हम जो फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर भी है, केमिस्ट्री में भी है, वो लोग इसके ऊपर काम नहीं करते, हम उसकी इलास्टिसिटी में भी काम करते हैं, वो लोग सिर्फ गैस की इक्वेशन पे काम करते हैं, हम लोग इलास्टिसिटी तक भी काम करते हैं, कितनी कंप्रेसिबिलिटी हुई और कितनी इलास्टिसिटी है उसके अंदर, ठीक है यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट जो है इसमें बस ठीक है।